हाय गाइस, कैसे आप लोग। आज एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं रवि सर। आज हम लोग सेल के बारे में लेक्चर फोर पढ़ेंगे। लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल क्या है, सेल की खोज किसने किया, और लेक्चर टू में हम लोगों ने पढ़ा कि सेल जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसके बाद लेक्चर थ्री में हम लोगों ने पढ़ा कि यूकैरियोटिक कोश का जो होता है आपका वह दो प्रकार का होता है, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। तो आज हम इस लेक्चर में तमाम ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे आपका सर्वाल हो गया, प्लाज्मा लिम्फा हो गया, तमाम चीजें ऐसे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक कह सकते हैं कि बायोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर आप सेल समझ गए तो आपको आगे चलकर बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा ये चैप्टर लंबा हो जा रहा है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनेल्स हम लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। आपने देखा, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, ठीक। आपने देखा कि ये तो प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में आपका सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाएगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो है आपका वह है प्लांट सेल में पाया जाएगा, और यह है प्लांट सेल का सबसे ऊपरी आवरण होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है। अब बात यह आती है कि कोशिका भित्ति यानी कि सर्वाल आपका जो है यह वास्तव में है क्या? तो यह क्या जो आपका है, यह कह सकते हैं कि एक निर्जीव पदार्थ है। क्या है? एक निर्जीव पदार्थ है जो कड़ा होता है, यानी कि जो टाइट होता है। इसके बाद कह सकते हैं कि यह पारगम भी होता है। क्या होता है? पारगम भी होता है। तो हम लोग ने जाना कि इससे सवाल है कि कोशिका भित्ति है क्या, तो वास्तव में यह एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ है जो टाइट यानी कि कड़ा या कठोर होता है, पारगम यानी कि फ्लेमेबल होता है। वास्तव में यह बना किससे? तो इसका जो निर्माण हुआ है या ये जो बना है, यह वास्तव में आपका कोशिका द्रव्य से ही बना है। किससे बना? कोशिका द्रव्य से। यानी कि कह सकते हैं कि जब कोशिका द्रव का श्रावण होता है, तो कोशिका द्रव के श्रावण से ही आपका कोशिका भित्ति यानी सेलवाल का निर्माण होता है, ठीक। तो वो जाना कि कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति वास्तव में एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ है जो बेहद का यानी कि टाइट होता है, पारगम यानी कि फ्लेमेबल होता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? तो कोशिका भित्ति यानी कि सेलवाल का निर्माण कोशिका द्रव्य के सेक्रिएशन यानी कि कह सकते हैं कि श्रावण से हुआ, ठीक। अब आइए आगे जानते हैं कि कोशिका भित्ति और किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो वास्तव में सामान्य पौधों में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि शैवाल में भी जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि कवक या ईस्ट, तो कवक या ईस्ट में जो आपका कोशिका भित्ति बना होता है वह काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। किसका? काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है। तो ये पहला ऑर्गेनिक्स है जिसको हम लोगों ने लिया, और हम लोगों ने देखा कि ये तो प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि ये एनिमल सेल में पाया ही नहीं जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं में इस तरह की सेल का बना होता है। तो वास्तव में यह जीवाणुओं में पेप्टोग्लाइकॉन या म्यूरमिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो आइए भाई इसको पुनः जान लेते हैं कि वास्तव में कोशिका भित्ति है क्या। तो यह कह सकते हैं कि मनुष्यों का सबसे फर्स्ट ऑर्गेनेल्स होता है, और यह आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि यह एनिमल सेल में तो पाया ही नहीं जाता है।
वास्तव में कोशिका भित्त है क्या? तो कोशिका भित्त एक इंडिविजुअल पदार्थ है जो बेहद कड़ा यानी कि टाइट होता है और पॉलीगल मेंब्रेन होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण कोशिका द्रव्य के स्रावण से यानी कि सेग्रीगेशन से होता है। अब कह सकते हैं कि समान पौधों में जो कोशिका भित्त बनी है वह किसकी बनी है? तो समान पौधों में हम देख रहे हैं कि यह तो सेलुलोज की बनी होती है। इसी प्रकार शैवाल में भी ये जो बना होता है सेलुलोज का ही बना होता है। इसके बाद कवक या यीस्ट में, तो कवक या यीस्ट में काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है। जबकि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में किसका होता है? तो बैक्टीरिया में हेटरोग्लाइकॉन या न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यानी सब ने कहा कि यह केवल पौधों में पाया जाता है जबकि जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो हम बता दें जो आपका जीवाणु होता है या जो आपका बैक्टीरिया होता है या फिर मेलो होता है या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सभी में क्या होता है? आपका कोशिका भित्त पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेलुलोज है, काइटिन है, हेटरोग्लाइकॉन है या न्यूक्लिक एसिड है, वास्तव में यह है क्या? तो यह आपका सब जटिल शर्करा। क्या है? जटिल शर्करा। शर्करा में शुगर और जटिल बेहद ही कठोर, ठीक है। तो यह आपका सेलुलोज, काइटिन, हेटरोग्लाइकॉन और न्यूक्लिक एसिड जो है, यह आपका एक प्रकार का क्या कह सकते हैं, जटिल शर्करा यानी कि जटिल शुगर है। तो यह आपका पहला ऑर्गेनिज्म जो था कोशिका भित्त। आइए अब इसके अगले टॉपिक पर, अगले ऑर्गेनिज्म पर डिस्कस करते हैं। एक हम सीरियल वाइज क्रमबद्ध पढ़ते जाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यह सर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको टॉपिक का नाम जो सेल है समझ में आ गया तो आगे आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका भित्त क्या है। वास्तव में यह है पौधों में सबसे ऊपरी जो आवरण होता है शैवाल यानी कोशिका भित्त कहलाता है, जो बेहद ही कड़ा होता है और अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। और वास्तव में यह जब साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का स्रावण होता है तो उसके द्वारा बना होता है। अब जान लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ शैवाल कोशिका भित्ति के कार्य। इसके कौन कौन से कार्य हैं? फंक्शन किस होता कार्य? तो इसका पहला फंक्शन है यह क्या करता है? सेड एंड साइज देता है। यानी कि फंक्शंस में अगर फर्स्ट फंक्शन हम देखें कि सेल वाले कोशिका भित्त का पहला कार्य क्या है, तो वास्तव में यह क्या करता है? कोशिका को शेप और साइज यानी कि आकार और आकृति प्रदान करता है। इसका जो दूसरा कार्य है क्या करता है? सेल के अंदर यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी आर्गेनेल्स होते हैं इन सभी का क्या करता है? सुरक्षा करता है। यह क्या कहते हैं कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर यह कोशिकांगों का, इसका भैया कोशिकांगों का सुरक्षा करता है। तो ये दो फंक्शंस हो गए सेलवाल के। पहला हो गया यह कोशिका को क्या करता है? तो यह शेप और साइज देने का कार्य करता है, यानी कि आकार प्रदान करता है, ठीक। और दूसरा इसका कार्य क्या हो गया? तो कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन सभी की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि कोशिका भित्त क्या है। तो कोशिका भित्त वास्तव में एक इंडिविजुअल पदार्थ है जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के स्रावण से मिलकर बना होता है। आइए इसके अगले ऑर्गेनिज्म पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्लाज्मासिटी। हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेखा भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेखा जिसको कहते हैं, वास्तव में यह हेडिंग में पाया जाता है। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि यह तो प्लांट सेल में पाया ही नहीं जाता है
जबकि यह एनिमल सेल में सबसे ऊपर ही पाया जाता है। एनिमल सेल में कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी परत जो होती है वही आपका क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा होता है। कभी कभी बुकों में प्लाज्मा झिल्ली का देकर प्लाज्मा लेमा दिया रहता है या जीवन कला भी दिया रहता है, उसको हम तीन नामों से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या जीवन कला। अब बात यह आती है कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, तो वास्तव में इसका भी निर्माण कोशिका द्रव्य के श्रावण से ही हुआ है। कोशिका द्रव्य के सेग्रीगेशन यानी कि श्रावण से ही हुआ है। वास्तव में यह किन किन चीजों से मिलकर बना, तो यह आपका दो चीजों से मिलकर बना, यानी कि इसका निर्माण दो चीजों से हुआ, एक आपका लिपिड और प्रोटीन से हुआ है। ठीक, तो हम लोगों ने जाना कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, तो प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण वास्तव में कोशिका द्रव्य सेग्रीगेशन यानी कि श्रावण से हुआ। प्लाज्मा झिल्ली किन किन चीजों से मिलकर बना, तो वास्तव में प्लाज्मा झिल्ली जो है वह दो चीजों से मिलकर बना है, एक लिपिड और दूसरा प्रोटीन, या साथ में इसको कह लें तो लाइपो प्रोटीन। अगर बुक में लिपिड और प्रोटीन नहीं दिया है तो लाइपो प्रोटीन दिया रहेगा, यानी कि दोनों से कोई ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, तो हम लोगों ने जाना कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण लिपिड और प्रोटीन या किसी का दूसरा नाम जो है लाइपो प्रोटीन से हुआ है। अब आपको यहाँ लिपिड शब्द जो है कंफ्यूजन में होगा कि लिपिड यह है क्या, तो लिपिड वास्तव में आपका घुलनशील वसा, क्या है, घुलनशील वसा है। ठीक, तो लिपिड और प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है, तो लिपिड और प्रोटीन का जो दूसरा नाम हुआ आपका लाइपो प्रोटीन ही है। अब इसके ये क्या है, तो ये भी जो आपका प्लाज्मा झिल्ली है यह पारगम्य पारगम्य होता है। पारगम्य क्या है, या कह सकते हैं कभी कभी अर्ध पारगम्य में भी होता है, अर्ध पारगम्य में भी रोक लेता है, जबकि जो अन्य द्रव पदार्थ क्या करता है जाने देता है। इसी प्रकार का प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, जिसको चाहता है उसको कोशिका के अंदर जाने देता है, और उसको नहीं चाहता उसको क्या करता है, कोशिका के ऊपर ही या कोशिका के बाहर ही रोक देता है। जैसे मान लीजिए आपके जर हो गए, तो जर को जब क्या होता है, कोशिका को जरूरत होती है, कोशिका की आवश्यकता होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, जर को उसमें एंट्री दे देता है। लेकिन जो दूर के कण छोटे छोटे होते हैं वो क्या होता है, तो कोशिका के बाहर ही रुक जाते हैं, जो इसके फंक्शंस हो गए। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली में एक मॉडल आता है जिसका नाम फ्लूइड मॉडल, आइए इस मॉडल को थोड़ा सा जानते हैं। फ्लूइड मॉडल मॉडल, आइए फ्लूइड मॉडल मॉडल क्या है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपका फ्लूइड मॉडल है जिसको कोशिका झिल्ली के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आप देख पा रहे हैं कुछ ये संरचना बनी हुई है, वास्तव में है क्या, तो इसी मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मॉडल, जिसमें जो आपको ये सबसे ऊपर दिख रहा है ये क्या है, ये आपका प्रोटीन है। सबसे नीचे जो आपको पाया जाता है ये क्या है, प्रोटीन है, और बीच में आपका लिपिड है, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों किनारों पर प्रोटीन होगा और बीच में लिपिड होगा, या तो पूरा भाग होगा वह आपका लिपिड ही होगा। इसी प्रकार फिर ऊपर और नीचे जो पूरी है पारगम्य है वह आपका प्रोटीन होगा, और जो बीच में होगा वह क्या होगा आपका, तो आपका लिपिड।
लिक्विड होगा, इसी मान को कहते हैं फ्लूइड फ्लक मॉडल। तो हमने दूसरा आदर्श से पढ़ा जिसका नाम है क्या, प्लाज्मा डिग्री, यानी कि प्लाज्मा लिखवाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वास्तव में यह है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण कोशिका द्रव्य के श्रावण से होता है और यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का जो दूसरा नाम है वह आपका लाइपोप्रोटीन है। वास्तव में यह लिपिड है क्या, तो लिपिड एक घुलनशील वसा है जो क्या होता है सॉल्युबल वाटर में क्या करता है घुल जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली जो होता है क्या होता है चयनात्मक, कह सकते हैं चयनात्मक पारगम होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि चयनात्मक पारगम होता है। हम लोगों ने भी समझा कि पारगम क्या है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो आर्गनेल्स के बारे में डिस्कस किया। आइए अब इसके तीसरे आर्गनेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है साइटो जीवद्रव्य, यानी कि इसको कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आपका तीसरा जो ऑर्गेनेल्स होगा वह होगा जीवद्रव्य, जीव द्रव्य। अगर बात करेंगे तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अभी द्रव्य क्या होता है, जीवद्रव्य किसे कहते हैं, तो वास्तव में जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें से पहला शब्द आपका है प्रोटास, और प्रोटास में होता है फर्स्ट, और दूसरा जो शब्द है वह है आपका प्लाज्मा, और प्लाज्मा में होता है फार। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट में होता है पहला और फार में होता है रूप, यानी कि कह सकते हैं कि कोशिका के निर्माण का पहला रूप होता है। तो हम लोगों ने भी जाना कि जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है वह दो शब्दों से कर बना है, प्रोटास प्लस प्लाज्मा। प्रोटास में होता फर्स्ट और फर्स्ट में होता पहला, और दूसरा शब्द आपका है प्लाज्मा, प्लाज्मा में होता फार, यानी कि फार में होता रूप। यानी कि हम इस प्रकार कह सकते हैं कि वास्तव में जो आपका जीवद्रव्य होता है वो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, यह कोशिका के निर्माण का पहला रूप होता है। अब बात करते हैं कि जीवद्रव्य का निर्माण कैसे होता है। वास्तव में जीवद्रव्य का जो निर्माण होता है 27 तत्वों से मिलकर होता है। कितने तत्वों से, 27 तत्वों से, लेकिन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो इसका निर्माण केमिकल एवोल्यूशन क्रिया के द्वारा, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक उद्विकास, रासायनिक उद्विकास के द्वारा होता है। तो वास्तव में जीवद्रव्य क्या है, तो जीवद्रव्य जो है यह कोशिका के निर्माण का पहला रूप होता है, और इसका निर्माण किन तत्वों से होता है, तो इसका निर्माण 27 तत्वों से मिलकर, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि जीवद्रव्य का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर हुआ, तो इसका निर्माण 27 तत्वों से हुआ और किस क्रिया के अंतर्गत हुआ, तो केमिकल इवोल्यूशन यानी कि रासायनिक उद्विकास की क्रिया के द्वारा हुआ। अब एक शब्द क्या है उद्विकास, आप थोड़ा सा जानते हैं विकास का है। देखिए दो शब्द होता है, एक होता है आपका विकास और दूसरा होता है उद विकास, और दोनों में डिफरेंस होता है। विकास जो है ये बहुत तेजी से होने वाला प्रक्रिया है, जबकि उद विकास क्या होता है, उद विकास में कई सौ वर्ष लग जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि वास्तव में हमारे पूर्वज थे कौन थे, बंदर थे, और बंदरों से ही हम लोगों का जन्म हुआ। तो क्या हुआ कि कई करोड़ वर्ष लग गए जो बंदर थे हमें मनुष्य बनने में। तो विकास का होता है, विकास बहुत तेजी से होने वाला प्रक्रिया है, जबकि विकास के अंतर्गत क्या होता है, कई सौ करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवद्रव्य यानी कि कार्यमाण 27 तत्वों में होता है। 27 तत्वों में आपके चार तत्व जो होते हैं मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें पहला आता है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा जीवद्रव्य में 65% होती है, और दूसरा आपका जो है कार्बन, कार्बन की मात्रा 18.5% होता है, तीसरा आपका जो है वह है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मात्रा 9.3% होता है, और चौथा जो आपका होता है वह होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है वह लगभग कह सकते हैं कि 4.5% होता है।
है। तो हम लोगों ने जाना कि 27 तत्वों में चार ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो क्या होता है मूल रूप से जीव द्रव के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा लगभग जीव द्रव में यानी कि प्लाज्मा में 65% होती है। दूसरी जो आपकी तत्व है वह है कार्बन, कार्बन की मात्रा लगभग 18.5% है। और तीसरा आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 9.3% है। और चौथा जो आपका यहाँ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 4.5% है। इसके अतिरिक्त जो आपके शेष पदार्थ पाए जाते हैं उनमें जैसे आपका फास्फेट हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने तीन और मैं इसके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम इसको अब यही स्टार्ट करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग और बचे हुए आर्मियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।